कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछ के कई जनों का भला कर देते हैं। क्वेश्चन है सर प्लीज़ एक वीडियो कॉमर्स वाले दे स्टूडेंट बना दो प्लीज़, जिस विच सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन किस के ज़्यादा बेनिफिशियल है और मास्टर केडर एलिजिबल होने केड़ा सब्जेक्ट रखना चाहिदा है, क्योंकि सर मैनू एदा सुन च बहुत आया है कि आ रहा है कि कमर्स दियाँ वैकेंसीज बहुत घट निकल दिया हन मास्टर केडर विच, सो प्लीज़ सर इवें दा वीडियो बनाओ जिस विच कमर्स स्टूडेंट दे सारे डाउट क्लीयर हो जान, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चाहूँ। सो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पंजाब के बाहर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले ये समझ लें, इन्होंने ये दो बातें की हैं कि कॉमर्स की वैकेंसीज, यहाँ पंजाब की बात करेंगे, नॉर्मली भी ये वैकेंसीज कम निकलती हैं। सबसे पहले ये ही देख लें कि कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। यहाँ पर हमारे पास है, इनका क्वेश्चन क्यों ठीक है, क्योंकि जो 2022 में निकली हैं वैकेंसीज एग्जैक्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट है। आप उसकी क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो, वुमेन मैन की डिवीजन भी देख सकते हो, रिजर्वेशन एससी बीसी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन फिजिकल हैंडीकैप ओके फ्रीडम फाइटर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये टोटल क्लासिफिकेशन है उसकी, बाइफर्केशन है। तो टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है कॉमर्स की, 43। दूसरा आप इसके साथ कॉम्बिनेशन नॉर्मली लेते हो इकोनॉमिक्स का, उसकी भी बात करेंगे एक एक करके। सो 2022 में 18 जो टोटल वैकेंसीज लेक्चरर की पीजीटी की निकली हैं, जनरल एससी बीसी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स इसकी डिवीजन है, ये आप क्लिक करके देख सकते हो। वापस चलते हैं, तो पहले बात करते हैं कि कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, लैंग्वेज की, तीनों की बात करेंगे, फिर ये कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या करना चाहिए। अब ये बात इन्होंने सही बताई है कि कॉमर्स की वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जैसे लिख लिया कि गवर्नमेंट जॉब जो है पीजीटी की 43 निकली हैं। अब आपने किया क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन में, ये बी कॉम हो गई आपकी, कुछ लोग होंगे जो बी कॉम करके बी एड कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो एम कॉम करके कर रहे हैं, दोनों में बेनिफिट का डिफरेंस है। जो बी कॉम करके कर रहे हैं उनको डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं है, उनको एम कॉम करनी ही होगी अगर वो उन्होंने ऐसी पोस्ट जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्स की लेक्चरर की पीजीटी की निकालते हैं। इट मींस आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, यहाँ लिखूंगा नहीं, चलो लिख देता हूँ, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, ये हो गया पी और कॉमर्स ओके, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या टीचिंग लिख लेते हैं, टीचिंग, ये जी टीचिंग ऑफ कॉमर्स हो गया, आपकी बी कॉम हो गई, उसके बाद आप एम कॉम करोगे। अगर आपके पास बी कॉम नहीं, सॉरी एम कॉम नहीं है, बी कॉम है, तो आपको बी एड करने के बाद 2 साल लगा के एम कॉम करनी पड़ेगी, उसके लिए आप एलिजिबल बनते हो गवर्नमेंट जॉब, वो भी पी जी टी के लिए, इसके लिए ओके। तो ये पोस्ट जो 43 है पी जी टी की है। अब दूसरा आस्पेक्ट के जो ये है कि इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, इसकी वीकनेस सिर्फ एक ही है, अगर आप कॉमर्स की पीजीटी के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, वो ये है कि आपको एमकॉम करनी पड़ेगी और 43 ये एरिया सिर्फ, इसको कलर चेंज करके कर लेता हूँ, ये सिर्फ इतनी वीकनेसेस है कि इसमें स्कोप बहुत कम है और आपको मास्टर करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, बीएड का कोई एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, 3 साल का कुछ नहीं है, कोई भी और आपका प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये दो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं कि अब अगर आप कॉमर्स के साथ आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए बी कॉम की है और साथ में आपने क्या ले लिया, कॉमर्स के साथ बीएड में इकोनॉमिक्स ले लिया ओके, इकोनॉमिक्स यहाँ लिख दिया। अब इकोनॉमिक्स लेते हैं तो क्या आप पीजीटी के लिए ही, आप पीजीटी के लिए ही फाइट कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये है, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि आप कॉमर्स के साथ अगर इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, वो डिटेल में बता देता हूँ। कारण ये है कि एक तो आपको बी कॉम के बाद फिर एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, एमए इकोनॉमिक्स मान लीजिए आपने कर ली और साथ साथ में इग्नो से भी कर ली,
और ऑप्शन भी हैं, आप पीछे भी जो बीएड कर रहे हो बीएड के साथ साथ आप इग्नो से देख लीजिए, इग्नो कॉमर्स की करवाती है, साथ साथ में ओपन यूनिवर्सिटी से साथ साथ में कर सकते हो, तो आपके 2 साल बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स लिया है जो मोस्टली लिया जाता है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो। पीजीटी के लिए आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, एमए इकोनॉमिक्स आप इग्नो के साथ साथ भी कर सकते हो, 2 साल भी बच गए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये रही पोस्ट, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा है इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी लेक्चरशिप की, शुड हैव पास्ड एमए इन इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड शुड हैव पास्ड बीएड विद टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये देखिए, ये तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हो गया, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी हो गया, इंस्टीट्यूट एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये भी हो गया, एंड शुड हैव स्टडीड 3 ईयर इकोनॉमिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसकी बार बार मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है उसमें 3 ईयर की कंडीशन हर बार होती है। यहां पर हम वापस चल के देखते हैं, यहां पर अब ये रहा कि ये कि अगर आप बीकॉम करके साथ में इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल बनना चाहते हो। अच्छा, इसकी पोस्ट भी पीछे देख के आए हैं कितनी है, मेरे ख्याल में 18 पोस्ट थी, ओके, ये नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, तो आपको एडिशनल ग्रेजुएशन का इकोनॉमिक्स, ये एडिशनल इकोनॉमिक्स 3 ईयर का देना होगा हर हालत में, ये रहा, और एडिशनल बीएड की जरूरत नहीं है, आपने पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स ले लिया है, ये वाला 3 साल अगर आप इकोनॉमिक्स का ये देखे, ध्यान से ये देखना, 3 साल जो है आपने ये जो, अगर आपकी, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी है, जनरली अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो ये एक सेम में आधे और ये आधे, आप ये लगा लीजिए कि आपके लगभग 7-8 महीने में, 8 मंथ में, 8 मंथ या 7th मंथ या 6 मंथ है ना, मान लीजिए पहले पेपर आपके जनवरी दिसंबर जनवरी में हुए और उसके बाद आपके जुलाई में जून जुलाई में हुए, तो ये आपका फिर रिजल्ट में 2 महीने 1 महीना लग गया, तो 8 महीनों में आप ये 3 साल की इकोनॉमिक्स करते हो। इकोनॉमिक्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए पोस्ट पीजीटी के लिए, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स भी करते हो। इकोनॉमिक्स का बेनिफिट क्यों नहीं है इसको ब्रीफ में बताने लगा हूं कि नंबर एक, आपने कॉमर्स वालों ने 3 साल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो, 3 साल इलेक्टिव, कॉमर्स की जो इकोनॉमिक्स है वो इलेक्टिव नहीं गिनी जाती, अगर गवर्नमेंट गिन लेती है कुछ ऐसा हो जाता है डिफरेंट बात है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है कि आप इंडिपेंडेंटली इलेक्टिव इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी, जितने मैंने डीएमसी देखे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि उसने इलेक्टिव इकोनॉमिक्स उसको गिना है और 3 साल कंटिन्यू इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना इंडिपेंडेंट, जैसे आप बीए के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वो बात है, वो नहीं की, तो एक तो हो गया कि आपको 3 साल का ये देना पड़ेगा, दूसरा आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, ये भी हो गया कि आप इग्नो से कर ली, चौथा आपके लिए पोस्ट कितनी है, युद्ध कितना है, तो ये जो कॉमर्स के बिना जो बीए वाले हैं, बीए विद इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो सीधे 3 साल इसको पढ़ के आए हैं और उसके साथ ही अगर वो एमए इकोनॉमिक्स हो उनको भी करनी पड़ेगी, कर लेते हैं तो वो फिर 18 पोस्ट जहाँ मतलब जितनी भी पोस्ट कम होती है आपके स्टेट में ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो नॉर्मली वो 50-60-70 इससे ज़्यादा नहीं होंगी, तो उसके लिए फाइट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, गाइडेंस ये है आपके लिए, अगर 3 साल आपको हर हालत में इकोनॉमिक्स की वो करनी पड़नी है तो फिर आप शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते एसएसटी के लिए। मान लीजिए आपने एडिशनल 3 साल का दे दिया है इकोनॉमिक्स का, ओके, उसके साथ आपको एक और देना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के साथ, फॉर एग्जांपल आपको मिनिमम हिस्ट्री जहां आपको ज्योग्राफी नहीं होगा, प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल साइंस, ये क्यों बता रहा हूं कि ये स्कूल सब्जेक्ट है, ये सेंटर की पोस्ट भी जब निकलती है, ये तो स्टेट की बात की है, अगर सेंटर की पोस्ट में निकलती है तो फिर आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, इधर के लिए आपको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसका फेज होगा अगले स्टेप में बताता हूं, वो इससे ईजी है, वो लैंग्वेज की तरफ हम जाएंगे।
तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपने 3 साल की इकोनॉमिक्स कर लेनी है, दूसरा ये भी डिफिकल्ट हो सकता है, फिर इसकी जगह आप फिर SST की तरफ मूव करते हो, जिसमें आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दो हो गए, जहां हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दो हो गए, ये पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आप TGT के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इससे बेहतर है आप जो ग्रेजुएशन के एडिशनल सब्जेक्ट BA के दौरान है, वो कम से कम एक हिस्ट्री दे दीजिए, जहां पॉलिटिकल साइंस दे दीजिए जो आसान लगता है, उसके बाद दूसरा। वैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दो इकट्ठे भी ले लेती है, लेकिन अगर क्लैश हो जाए BEd का और दूसरे का, ये बात डिफरेंट है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए आप BEd कर रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट है, BCom की हुई है, तो आप दो सोशल साइंस के एडिशनल देना चाहते हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दो को भी अलाउ करती है, तो आप अगर चाहते हो एक एक करके करना, एक मिनिमम आपको कर लेना चाहिए अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो TGT के लिए और SST की तरफ। वो कौन से हो सकते हैं? ये स्कूल सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, TGT की पोस्ट जो है बहुत ज्यादा, इतनी कम नहीं होगी, ये सैकड़ों में कम से कम होती हैं, तो आप फाइट कर सकते हो। लेकिन मैं दूसरी बात, ये इतनी कॉम्प्लेक्स गाइडेंस क्यों है? अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तरफ शिफ्ट कर जाते हो तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, आप इकोनॉमिक्स से पूरी तरह से दूर हो गए। तो जब आपका सिलेक्शन टेस्ट होना है तो सिलेक्शन टेस्ट में इकोनॉमिक्स तो आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये चौथी जो है ज्योग्राफी, ये चारों में से SST का सिलेक्शन टेस्ट होगा। हाँ, अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये आपने कॉम्बिनेशन देखना है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट में मैक्सिमम जोर लगाना चाहिए, जॉब का मिलना उस पर आधारित होता है। प्रॉब्लम ये है कि SST इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, दैट इज वाई 3 साल के 2 पेपर ये हो गए, इलेक्टिव हो गया, और एडिशनल आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको BEd का एडिशनल भी SST का देना पड़ेगा। आप शिफ्ट स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। पहले BEd के दौरान आपने कोई सोशल साइंस कर ली, अगर आप एक सोशल साइंस भी कर लेते हो तो आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ SST के कॉम्बिनेशन से एडिशनल पेपर दिलवा देगी। जब आप एडिशनल पेपर BEd के दिलवा देगी, BEd के कर रहे हो, तो उसके बाद आप दूसरा पेपर जो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स कोई भी देना चाहते हो, वो देके एलिजिबल बन सकते हो। तो ये इतने ज़्यादा हैं, आप साथ साथ में कर सकते हो, प्रोविज़न है लेकिन गाइडेंस नहीं है। इससे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है कि BCom आप के साथ BEd कर रहे हो, नेचुरली है कि कॉमर्स की पेडागोजी BEd में आपने ले ली है, साथ में आप लैंग्वेज ऑप्ट करो। लैंग्वेज के ऑप्ट करना का, ये दो लैंग्वेज नॉर्मली लेते हैं हम, इंग्लिश और पंजाबी, चूज वो करना जिसमें आपकी मास्टरी ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट जब होना है जॉब का तो उसकी मास्टरी ही, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट में पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के साथ लैंग्वेज ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हो कॉमर्स के साथ इंग्लिश, एक बात ठीक है, जहां कॉमर्स के साथ पंजाबी है ना, जहां हिंदी, जहां जो भी आपने 1 साल सब्जेक्ट पढ़ा है वो ले सकते हो, तो क्या है कि आपकी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज जो है साथ साथ में कंप्लीट हो गई। यहां आप इधर कंपीट करना चाहते हो तो MCom की तरफ जाओगे, और इधर इंग्लिश की तरफ कंपीट करना चाहते हो तो आप एडिशनल ग्रेजुएशन के दोगे, इसको रेड पेन कर लेता हूं, यस, एडिशनल ग्रेजुएशन के दोगे, जैसे इकोनॉमिक्स के देने थे वैसे ही इंग्लिश के देने हैं। अब ये 8 महीने में आपके 3 साल के इंग्लिश के पेपर हो जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, सिलेबस पहले देख लीजिए, यूनिवर्सिटी किसी की इजी होती है, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की इजी होती है, तो वो आप मूव कर सकते हो। तो ये 3 साल ग्रेजुएट, 3 साल आप BEd के साथ भी दे सकते हो, पर्टिकुलरली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो करवाती है, बाकी पंजाब और गुरु नानक का मुझे क्लियर नहीं है, पता कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, अगर आप कॉमर्स के साथ लैंग्वेज लेते हो, जहां इंग्लिश, जहां पंजाबी, जहां कोई और भी जो 1 साल पढ़ी हुई है, तो आपने BEd के साथ ही 3 साल का एडिशनल पेपर दे के क्लियर कर लिया, और जब आपकी BEd कंप्लीट होती है तो आप इंग्लिश के लिए
टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। दिस इज द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू। कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट गाइडेंस क्या है कि जो अगर वो टीजीटी की तरफ जाना चाहते हैं तो जो पीछे बता के आए हों, अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा बनता है, कॉमर्स भी ज़्यादा बनता है, वहीं रहना है। मैं ये सुजेस्ट करता हूँ अगर आप एमकॉम हो तो आप इसको तो फोकस करो करो। जितनी भी पोस्ट जैसे 43C जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट निकालती हैं उनके लिए तो कम्पीट करो करो। साथ में आप लैंग्वेज को प्रेफर करो इकोनॉमिक्स की जगह पर। आप कंपेयर करके देखो कि इकोनॉमिक्स में जाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है और लैंग्वेज में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट लैंग्वेज ऑप्ट कर लिया, एक एडिशनल पेपर 3 साल का दे दिया, तो आपकी जो है मेरे ख्याल में पूर्ण जो है वो हो गई। अब आपका ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया है कि कोई मिस किया है। कॉम्बिनेशन केड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, सो और मास्टर केडर के लिए तो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी प्रेफरेंसेस बाकी नहीं हैं वो बना कॉमर्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है जिसमें मास्टरी आपकी ज़्यादा है, इजी लगती है, सिलेबस देख लेना है और यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट के लिए तैयारी डिफरेंट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, है ना। तो पीजीटी के लिए आपका कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो। बहुत पोस्टों का कट निकल दिया, ये भी गल पूरी हो गई। सो ये वीडियो जो है सभी के लिए ज़रूरी है। कॉमर्स वाले इस वीडियो के नीचे ही मुझे कमेंट करें क्योंकि जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा फिर मैं वो अगली वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कॉमर्स के लिए कोई और प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।